जो टॉपिक है आज के सेशन का वो ये है कि अकेले भी क्या हम खुश रह सकते हैं। अगर ये हमको आ जाए तो हम सबके साथ में भी खुश रह सकते हैं। और अकेले का मतलब भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। अकेला मतलब ना आपके पास में कोई पर्सन है ना कोई ऑब्जेक्ट है, यानी कि आपका मोबाइल। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग नाम के लिए तो जुड़ते जा रहे हैं पूरी दुनिया से, लेकिन अंदर से अकेले होते चले जा रहे हैं। ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है? यस नो? हाँ, कहने के लिए हम सबसे जुड़े हुए हैं, कहने के लिए हम हंस रहे हैं, हर तरह की स्माइली हमारे पास में है। हाँ, जैसी शक्ल नहीं भी बना पाते वैसी भी स्माइलीज है। मतलब वी आर जस्ट शोइंग ऑफ कि हम बहुत खुश हैं, लेकिन अंदर ही अंदर डीप विद इन हम और अकेले होते चले जा रहे हैं, क्योंकि रियल कनेक्शंस मिसिंग है। अब इसको कभी प्रैक्टिकली आप करके देखना जो बात मैं कह रहा हूं, तब आपको पता लगेगा कि ये लोनलीनेस हमारे अंदर कितना ज्यादा डीप होता चला जा रहा है। यानी कि कहीं पर जाकर के बैठ जाओ एक घंटे के लिए, मोबाइल आसपास भी नहीं होगा, अब एक घंटे तक सिर्फ बैठे रहो विदाउट डूइंग एनीथिंग, देखो क्या होगा। कभी कोशिश किया ये करने का? वहां से उठने का मन नहीं करेगा, माइंड बहाने नहीं ढूंढेगा, वहां से भागने के बार बार मोबाइल की याद नहीं आएगी, बड़ा अनकंफर्टेबल फील नहीं होने लग जाएगा, मन नहीं करेगा छोड़ो ना किसी से बात करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट काम तभी याद आएंगे। हाँ, सारे इंपॉर्टेंट काम तभी याद आएंगे जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट क्या है? सोचो जरा, थोड़ा सा दिमाग लगाना। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप अकेले एक घंटे तक अपने साथ नहीं रह सकते, आप खुद के साथ में बोर हो जाते हो, एक घंटा भी खुद के साथ नहीं रह सकते, तो सोचो आप कितने बड़े बोरिंग इंसान हो। तो अगर आप अकेले में भी बोर ना हो, यानी खुद से बोर ना हो, दैट मींस देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग इन यू। सर, हम एक दिन कर सकते हैं, दो दिन कर सकते हैं, तीन दिन, फिर दोबारा तो रूटीन वही आ जाता है, मोबाइल की आदत नहीं शुरू हो जाती है फिर से। बल्कि आपने एक दो दिन तीन दिन भी बहुत ज्यादा बोल दिया। हाँ, एक मिनट कर सकते हैं, दो मिनट कर सकते हैं, फिर तीन मिनट बाद फिर मोबाइल हमको अपनी तरफ खींच लेता है कि चल एक मिनट के लिए देख लेता हूँ कि आज क्या हो जाएगा, और फिर वो वहां पे हम फंस जाते हैं। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, हम बहुत ही रेस्टलेस होते चले जा रहे हैं, क्योंकि एक मिनट के लिए भी टिक के बैठना तो हमें आता ही नहीं है, कोई ना कोई हमको चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, और इन चीजों के हम गुलाम बने पड़े हैं। इंसान से ज्यादा उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है ऑब्वियसली। हाँ, कि मोबाइल के पीछे मर्डर हो सकता है अगर मैं आपका मोबाइल तोड़ दूं अभी। अब बोलो यस सर। नो सर। सो ये जो लोनलीनेस है, इसका क्या सोल्यूशन है? क्या लोनलीनेस में और सॉलिट्यूड में कुछ फर्क होता है, या दोनों एक ही चीज है? सॉलिट्यूड इज व्हेन आई वांट टू बी अलोन विद माय सेल्फ, मे बी आई वांट टू थिंक अबाउट माय लाइफ एंड आई एम हैप्पीली अलोन दैट टाइम लाइक। बट लोनलीनेस इज दैट व्हेन आई डोंट वांट टू बी अलोन, आई वांट टू टॉक टू समबडी बट आई डोंट हैव एनीबडी टू टॉक टू। एक्सीलेंट, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर। इन्होंने बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी कि लोनलीनेस इज अ नेगेटिव टर्म, यानी हमारी लाइफ में कुछ मिसिंग है, एंड सॉलिट्यूड इज अ पॉजिटिव टर्म, व्हेन वी आर फुलफिल्ड बीइंग अलोन। कि ना आपके हाथ में मोबाइल है, ना कोई ऑब्जेक्ट है, ना आप टीवी देख रहे हो, फिर भी हम अपनी लाइफ से फुलफिल्ड है, वी आर हैप्पी बीइंग अलोन, दैट इज अ स्टेट ऑफ सॉलिट्यूड। जितना हम एक्चुअल में जो होता है उससे कनेक्ट होते हैं, वो नहीं जो यहां होता है, जो यहां होता है और जो यहां होता है उसमें फर्क देख पा रहे हो? यहां पर क्या है अभी इसी मोमेंट में, मैं बताऊं क्या है? आप सबके यहां पर क्या क्या है? मेरे बारे में कुछ ना कुछ सोच रहे हो, कुछ ना कुछ ओपिनियंस हैं आप लोगों के माइंड में? Yes, सबके सेम है, सबके अलग अलग है? सबके अलग अलग है। जहां पर भी अलग अलग कुछ होने की गुंजाइश है, जहां पर भी अलग होने की गुंजाइश है, ऑल दैट लीड्स टू लोनलीनेस। ये बात मैंने बोली है, बट आई एम नॉट टू श्योर कितना आप इसकी डेप्थ देख पाए। क्या हमको नेचर से, इस पूरे यूनिवर्स से जुड़ना है, जो हम जुड़े हुए हैं? ये सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हो क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ, या एक्चुअल में देख पा रहे हो? कि मैं वो जो पेड़ दिख रहा है, या कोई फ्लावर दिख रहा है, या दूसरा कोई इंसान दिख रहा है, मेरे को उससे जुड़ना नहीं है, मैं जुड़ा ही पड़ा हूं। जो जुड़ा हुआ है वो खुश है। इस जुड़ने को ही योग बोलते हैं। योग का मतलब होता है यूनियन, और अलग होने को दुख बोलते हैं। अलग होना मतलब लोनलीनेस। लोनलीनेस का मतलब क्या है? कि आप चाहते हो कि वो इंसान आपके साथ में रहे, लेकिन वो नहीं चाहता। अब आप कहते हो नहीं 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 ऐसा क्यों नहीं हो रहा, आई वॉन्ट दैट थिंग टू हैपन, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। एक मिनट रुक जाओ, अब अगर सुसुआई तो हाथ ऐसे करना। मैं कहूंगा बोलने के लिए, तब बोलना है, एक फ्लो है, उसको बीच में खराब मत करो। सुनो, अगर इस सच को आप देख लो, यानी कि जितना हम झूठ में जीते हैं, ये सब क्या है, मोबाइल फोन की दुनिया, सब झूठ नहीं है। फेसबुक पे सब ऐसा खिलखिलाते हुए अपने आप को दिखा रहे हैं कि उनसे ज्यादा बढ़िया लाइफ तो किसी की है ही नहीं,
आप देख रहे हो एक से एक पिक्स आ रही है, आई एम हैविंग द बेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ, व्हाट अ हबी, व्हाट अ चबी, व्हाट अ ये, व्हाट अ वो, और चार दिन बाद पता लग रहा है अलग हो गए, अब कुत्ते बिल्ली की तरह एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, मैं बर्बाद कर दूंगी। सब झूठ नहीं है, सब दिखावा नहीं है, चारों तरफ हर कोई अपने आप को ये दिखा रहा है कि मेरी लाइफ तेरी लाइफ से बेटर है, सब झूठ की दुनिया है। इस सबकी पैदाइश क्या है? यहां पर, यहां पर जी रहे हैं, यहां पर जी रहे हैं, इसके अंदर अंदर जी रहे हैं, मोबाइल में, इसमें उसमें, ये वो, अपने आप को स्ट्रांग दिखा रहे हैं जबकि अंदर से बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है, अंदर से डरे पड़े हैं, क्योंकि गिने चुने कुछ ना कुछ लोग तो होते ही है ना हमारी लाइफ में, दो चार पांच लोग, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, ये वो, उनसे अलग होने के नाम से डर लगता है, नहीं लगता है? यही तो है बच्चे खुचे इस पूरी दुनिया में मेरे, अगर ये भी गए तो मेरा क्या होगा, कितने अकेले हैं और कैसे पकड़ लेते हैं, ये जो पोजेसिवनेस है इसकी जड़ क्या है अगर लोनलीनेस नहीं है तो? एक बंदा जो अंदर से बिल्कुल ही अकेला है, उसको एकदम से कोई मिल जाए, उसको छोड़ेगा क्या वो, या वो छोड़ेगी क्या? अरे पकड़ ले नहीं जाने दूंगा इसको, नहीं जाने दूंगा, बड़ी मुश्किल से मिला है जी। अब फिर अलग होएंगे, फिर रोएंगे, फिर क्या करेंगे, वहां से हटेंगे उस बंदे से, अल्कोहल पे चले जाएंगे, सिगरेट पे चले जाएंगे, ड्रग्स पे चले जाएंगे, क्योंकि मजे की बात क्या है, सारा मजा गलत चीजों में ही है। देख लो जी, एक्सरसाइज करने में मजा आता है या कुत्ते की तरह खाने में मजा आता है, लाल टपकरी खाए जाओ, खाए जाओ, बस सारा मजा ऐसी ही चीजों में है, सब गलत चीजों में है, तो हमारी पूरी लाइफ ही गलत हुई पड़ी है, झूठ में जी रहे हैं, यहां जी रहे हैं। तो यहां से अगर आप यहां आ जाओ, एक्चुअल में देखो कि लाइफ क्या है, एक्चुअल में देखो कि आप क्या हो, क्या आपको कनेक्ट होना है इस यूनिवर्स के साथ में, या आप कनेक्टेड ही हो, इस सच को अगर आप देख लो, और फिर किसी रिलेशनशिप में आप जाते हो तो वहां पे कंफर्ट होगा, वहां पे इनसिक्योरिटी नहीं होगी, वहां पे सिक्योरिटी होगी, वहां पे प्यार होगा, क्योंकि इफ डीप विद इन यू आर कनेक्टेड विद योरसेल्फ एंड यू आर एब्सोल्युटली सेफ, एब्सोल्युटली स्टेबल, एब्सोल्युटली सिक्योर, तो अब अंदर तक क्या है, ये कोई आए तो कोई बात नहीं, कोई जाए तो कोई बात नहीं। जब अंदर से ये चीज आ जाती है तो ऐसे बंदे को कोई नहीं छोड़ता, क्योंकि वो ही आपको आजादी दे सकता है, ओनली दैट पर्सन कैन गिव यू फ्रीडम हु इज फ्री, जो खुद बंदा पड़ा है वो आपको क्या फ्रीडम देगा। सर अगर किसी ने सॉलिट्यूड अटेन कर भी लिया तो क्या वो परमानेंटली रहेगा? मतलब एक पीरियड आया कि उसे लग रहा है कि हाँ वो अपने से फुली सेटिस्फाइड है, वो अपनी कंपनी इंजॉय कर रहा है, बट जहाँ वो फिर फेसबुक अगर उसने खोला और वो लोगों को अपने अपने से ग्रो करता हुआ देख रहा है, तो वो एक टाइम बाद फिर उसे लगने लगेगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। Let's give a big hand for her. ध्यान से समझना जो बात इन्होंने कही, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है। अगर इस सॉलिट्यूड को हम अचीव कर लेते हैं, नाउ व्हाट डू वी मीन बाय अचीविंग सॉलिट्यूड, व्हाट डू वी मीन बाय सॉलिट्यूड, इसकी शुरुआत होती है दो चीजों को डीपली रियलाइज करने से। वन इज कि अभी जैसे मेरी लाइफ चल रही है, मुझे इसको ऐसे नहीं चलाना है, क्योंकि इफ यू से कि नहीं मुझे तो अपनी लाइफ को ऐसे ही चलाना है, फिर आप सॉलिट्यूड की बातें कर रहे हो, तो आप बन जाओगे क्या बोलते हैं, थाली का बैंगन, धोबी के कुत्ते, ना घर के ना घाट के, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। ऐसे बहुत लोग हैं जो सो कॉल्ड घर बार छोड़ करके स्पिरिचुअल यहां पे जा जा करके धक्के खा रहे हैं, कपड़े बदल देते हैं, माइंड वो का वही रहता है। एक्चुअल में क्या है, कपड़े जैसे मर्जी हो, माइंड चेंज होना चाहिए ना, इट्स ऑल अबाउट, हमें सोच को बदलना है। यही हम गलती करते हैं ना, उसके बिहेवियर में ये प्रॉब्लम है, वो गंदा आदमी है, वो ये, वो घटिया है, वो ऐसा कैसे, सारी उंगली यहीं रहती है, यहां तो कभी आती नहीं है। तो अकेले में बैठ करके अगर आपने खुद को ऑब्जर्व किया, आपने कहा यार यहां पर बड़ा खचड़ पचड़ है, मोबाइल छोड़ करके मैं एक घंटा बैठने की कोशिश ही तो कर रही हूं, तो मैं बैठ क्यों नहीं पा रही हूं, मैं बैठ क्यों नहीं पा रहा हूं, क्या हो रहा है, ये माइंड की ऐसी हालत क्यों हुई पड़ी, मतलब सब हिला पड़ा है अंदर से। अब अगर इस हिले हुए माइंड से मैं बाहर कुछ भी करूंगा वो भी सब हिला पड़ा होगा, तो क्या ऐसे जीना है, क्या ये अपने आप ठीक हो जाएगा, क्या ये जो आज माइंड रेस्टलेस है क्या कल वो अपने आप बेटर हो जाएगा या और बुरा होएगा अगर कुछ नहीं किया तो? देख पा रहे हैं सच को? तो पहला स्टेप क्या है, सॉलिट्यूड को डीपली समझने का या सॉलिट्यूड में जाने का, रियलाइजेशन ऑफ दिस फैक्ट कि आई एम सफरिंग। इसके लिए आपको समझदार होना पड़ेगा, बेवकूफ लोग इस बातों को कभी नहीं समझेंगे, उनके ऊपर से जाएगी सारी सारी बातें, सर सब छोड़ो, लवली लवली दो लगाओ रात में, और
फिर देखो कहाँ जाती है आपकी सारी बातें, टेंशन टेंशन ये। तो इन लोगों के लिए तो ये सेशन हो ही नहीं रहा है। तो मैं बात किसकी कर रहा हूँ, हु इज इंटेलिजेंट इनफ टू सी कि आज नहीं तो कब, जैसे ही अंदर से आता है तो नाउ देर इज नो लुकिंग बैक, नाउ देर इज नो गोइंग बैक, अब फॉरवर्ड ही फॉरवर्ड है। अब आता है दूसरा स्टेप, नाउ हाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट सॉलिट्यूड इज। सॉलिट्यूड की शुरुआत होती है ध्यान से। व्हाट इज ध्यान? ध्यान करना नहीं है, ये मैं पहले अपने अलग अलग सेशन में बहुत जगह पे बोल चुका हूं, ध्यान देना है। ध्यान देने का मतलब क्या है? अभी मैं बोल रहा हूं आप ध्यान दे रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। दे रहे हो? यस सर। नो? हाँ ठीक है। तो अगर अकेले में बैठे हो तो वहां पर क्या करना है? कुछ अजीब अजीब सी हरकतें करनी है, हाँ अंदर कुछ करने की कोशिश करनी है, कुछ नहीं, ध्यान देना है इस सच की तरफ, जो सच में बार 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 अपने अलग अलग सेशंस में बोल रहा हूं कि आपको इस पूरे यूनिवर्स से जुड़ना नहीं है, आप जुड़े ही पड़े हो। ध्यान दो इस बात की तरफ जी कि आपका इस यूनिवर्स से क्या कनेक्शन है, कनेक्शन है या नहीं है। अभी बारिशों का टाइम चल रहा है तो कभी बारिश में जाकर के बैठो और देखो किस तरह से बादल बन रहे हैं। हाँ नहा रहे थे, हाँ एक है, अब हम मजे के लिए नहा रहे हैं, है ना, छम छम छम। तो बारिश में नहाने का मतलब क्या कि नहा करके एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ी देर बारिश में नहाए एंजॉय करा फिर घर में गए फिर रो रहे हैं बैठ करके, फिर वो बारिश में नहाना बिल्कुल ऐसे ही हो गया जैसे मोबाइल पे थोड़ी देर का एंटरटेनमेंट। ध्यान दो, आराम से बैठो जा करके टिक करके बारिश में, और अपने हाथ पे जब वो पानी की बूंदें गिरेंगी तो उसको पियो, देखो क्या वो बादल आप नहीं बन गए हो, वो बादल बूंद बना, वो बूंद आपके हाथ में आई तो क्या आपने बादल नहीं पी लिया है। जब इस तरह से देखते हो तो कुछ कमाल का होने लग जाता है, फिर क्या होता है एफर्टलेसली आप 24 घंटे मेडिटेशन में रहते हो। मेडिटेशन करते नहीं हो, ज्यादातर लोगों के लिए मेडिटेशन का मतलब क्या है, 1 आवर मेडिटेशन 23 आवर फ्रस्ट्रेशन। और बहुत लोग तो मेडिटेशन कर रहे होते नाम के लिए, घर में बैठे हैं और चीख चिल्ला रहे हैं, कह रहे तुम्हें पता नहीं है मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, हल्ला मत मचाओ। जब भी आप जो भी कुछ कर रहे हो उसको ध्यान से करो, अपनी पूरी अवेयरनेस से करो, पूरी अटेंशन से करो। ये शुरुआत है सॉलिट्यूड की, ये शुरुआत है ध्यान की, ये शुरुआत है मेडिटेशन की। फिर धीरे धीरे क्या होता है, इसका अल्टीमेट गोल क्या है, कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा क्योंकि जो भी एक्सपीरियंस आया है वो जाएगा, इस बात को गांठ बांध देना अच्छे तरीके से। अल्टीमेटली क्या निकल के आएगा ये सब करके, आपको दो चीजें समझ आएगी, एक कि सब कुछ टेम्पररी है इस दुनिया में, अभी ये थियोरेटिकली तो हमको पता है बट वी डोंट रियलाइज इट, वी डोंट सी थिंग्स चेंजिंग। अपने आपको देखते हैं शीशे में और बोलते हैं कि मैं ये हूं, तो वी डोंट रियलाइज कि सब कुछ बदल चुका है। बचपन में जो आपकी बॉडी थी वो आप हो या ये जो दिख रहा है ये आप हो, हाँ इस तरफ हमारा ध्यान नहीं है। वी नेवर अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, बचपन में कितने खूबसूरत थे आप लोग, कभी सोचा है अभी क्या हालत हो गई है। तो इफ यू सी थिंग्स मूविंग चेंजिंग, जैसे अगर कभी आप बैठे हो, अब यहां पे कोई पैटर्न नहीं है कि आपको यही करना है, कहीं पर भी आप बैठे होगे एकदम से कुछ इंसाइट्स आ जाएंगे, कुछ नजर आ जाएगा, एकदम आप देखोगे बादलों में आपको, या कभी कहीं किसी हिल स्टेशन पे हो तो वहां पे ऑब्जर्व करना रात के टाइम जब आप बैठे होते हो तो पहाड़ों में आपको कुछ शक्लें नजर आएंगी, वो पेड़ पौधों से अपने आप ही कुछ शक्लें बन जाती है। अब वो शक्ल वहां नहीं है वो यहां है, ऐसे ही क्लाउड्स के साथ होता है, क्लाउड्स में आप देखोगे अच्छा वो नजर आएगा वो आएगा, थोड़ी सी देर बाद आप देखोगे कुछ सेकंड्स बाद वो गायब। तो आपको क्या समझ आता है, दो तरह की चीजें हैं इस दुनिया में, एक है जो टेम्पररी है यानी जो आ रहा है और जा रहा है, और कुछ ऐसा है जो परमानेंट है। यानी टेम्पररी मतलब क्या, जो पैदा हुआ और मरा, और परमानेंट मतलब क्या, जो ना पैदा हुआ ना मरा लेकिन है वो परमानेंट है। तो जैसे जैसे इस सॉलिट्यूड में आप गढ़ते चले जाते हो तो आपको ये समझने में देर नहीं लगती, ये सब जो आना जाना चल रहा है ये मुझ में चल रहा है, मैं मतलब क्या, अवेयरनेस। कुछ सेंसेशंस आती हैं चली जाती हैं, कुछ फीलिंग्स आती हैं चली जाती हैं, इमोशंस आते हैं चले जाते हैं, थॉट्स आते हैं चले जाते हैं, ये आना जाना चलता ही रहता है और ये चलता ही रहेगा,
लेकिन जिसमें आ जा रहा है वो मैं हूं। वहां पर आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। लोग बोलते हैं मेरी अवेयरनेस है, तेरी अवेयरनेस है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ये जो बॉडी में पानी है वो मेरा पानी है, ये इसका पानी है, क्या ये सच है या झूठ है? या पानी पानी है? ज्यादा हो गया, आया समझ में? उन्होंने क्या बोला है? आपकी बॉडी में पानी है, मेरी बॉडी में भी पानी है, क्या ये पानी मेरा है, वो पानी तेरा है? नहीं। अगर एक पानी में हम दोनों ने मिल करके पिया, आधा तूने पिया आधा मैंने पिया, तो अब ये पानी क्या हमारा है? नो। किसका है ये पानी? तेरा है, मेरा है, किसी के बाप का है? किसका है ये पानी? किसी का नहीं है, और पानी सबका है। तो जो हम कब्जा करते हैं कि मैं हूं, ये तू है, इसी वजह से हम दुखी रहते हैं। ये मैं ही तो लोनली है ना, ये मैं यहीं पर फंसा पड़ा है, और यहां भी क्या, यहां फंसा पड़ा है, यहां फंसा पड़ा है। अगर मैं यहां से निकल जाए, मतलब थॉट के लेवल पे ये समझ जाए कि मैं कहीं भी फंसा हुआ नहीं हूं। जैसे अभी पानी का एग्जांपल मैंने दिया, क्या उस एग्जांपल से आप इसको रिलेट कर सकते हो कि अभी आप भी देख रहे हो मुझे, मैं आपको देख रहा हूं, इस देखने को अवेयरनेस बोल सकते हैं? आप भी मुझे देख रहे हो, मैं भी आपको देख रहा हूं, आप भी मुझे सुन रहे हो, मैं भी आपको सुन रहा हूं। ये जो सुनना चल रहा है जिसको हम अवेयरनेस बोल सकते हैं, कॉन्शियसनेस, क्या यहां से जो सुना जा रहा है वो मेरी अवेयरनेस है, और वहां से जो सुना जा रहा है वो तेरी अवेयरनेस है, या अवेयरनेस अवेयरनेस है? अवेयरनेस में मैं और तू कहां है? तो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू खत्म हो जाता है। नहीं तो हम हमेशा सामने वाले को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू को समझाना चाहते हैं। अब आपको कोई पॉइंट ऑफ व्यू है ही नहीं, इसको प्यार बोलते हैं, देयर इज नो पॉइंट। इस बात की गहराई देख पा रहे हो? सब कुछ बनेगा मिटेगा, एट अ माइक्रो लेवल, एट अ मैक्रो लेवल, सब कुछ बनता रहेगा मिटता रहेगा, नौटंकियां चलती रहेगी, दो पास आते रहेंगे, दूर होते रहेंगे, ये सारी कहानियां चलती रहेंगी, लड़ते रहेंगे, ये करते रहेंगे, लेकिन अवेयरनेस वही की वही है। एंड आई एम दैट।